असल में व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खड़े होंगे। तो व्यूअर, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि आप गूगल माई बिजनेस के परमानेंट एंड स्टिकी रिव्यू कैसे पोस्ट कर सकते हैं। अब देखें, अक्सर भाई रिव्यू ले रहे होते हैं तो जाहिर सी बात इसीलिए रहते हैं कि उनके जो है रिव्यू ज्यादा देर तक स्टे रहे, उनका बिजनेस जो है रिव्यू से प्रमोशन हासिल करें। लेकिन बदले में क्या होता है, गूगल रिव्यू को डिटेक्ट करके एक दिन बाद, दो दिन बाद, एक हफ्ते बाद या फिर महीने बाद उस रिव्यू को जो है रिमूव कर देता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं कि रिव्यू रिमूव क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, रिव्यू पोस्ट करते क्या। अब मेन प्रॉब्लम तो ये इसमें आ रहा है कि रिव्यू लाइव जाता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम रिव्यू को लाइव कैसे ले जाएं, मतलब हम रिव्यू पोस्ट करेंगे उसके बाद ही गूगल उसको डिटेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, लेकिन अभी रिव्यू लाइव जा ही नहीं रहा है। मतलब इस वीडियो में हम मेथड पर भी बात करने वाले हैं, रिव्यू को ज्यादा टाइम तक स्टे पर रखने का तरीका क्या है इस पर भी बात करने वाले हैं। अब देखें, एक मेन चीज मैं आपको बता दूं, इसके जो टोटल मेथड है वो दो मेथड है। पहला मेथड है लैपटॉप या पीसी से रिव्यू को पोस्ट करना, दूसरा मेथड मोबाइल से रिव्यू पोस्ट करना। अब जिस तरीके से आप रिव्यू पोस्ट करते हो, रिव्यू गूगल डिटेक्ट कर लेता है, उस रिव्यू को रिमूव भी कर लेता है, तो उसको स्टेबल कैसे रखा जाए, ये दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बकायदे डिटेल के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक या लाजमी करने का, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो व्यूअर, सबसे पहले रिव्यू पोस्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि आपका रिव्यू ज्यादा टाइम तक स्टेबल कैसे रहेगा, इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि आपका रिव्यू ज्यादा देर तक स्टेबल रहे। देखें, सबसे पहले हम जो गलती कर रहे होते हैं, हम जब रिव्यू पोस्ट करते हैं तो हमने वीपीएन तो लगाया होता है, लेकिन वीपीएन कोई एग्जैक्ट लोकेशन का वीपीएन नहीं लगाया होता है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं यूएसए की कोई सिटी स्टेट है फ्लोरिडा, उस पर रिव्यू पोस्ट कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं अपना वीपीएन लगा लूंगा डायरेक्ट यूएसए से। अब यूएसए की कौन सी सिटी के साथ कनेक्ट हुआ है, कौन सा एरिया है, क्या स्टेट है उसका, ये हमें कोई अता पता नहीं होता है। तो इसी वजह से अब देखें, मैं एक छोटा सा सैंपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं इस टाइम यहाँ पंजाब में मौजूद हूँ, मैं पाकिस्तान के आखिरी कोने कराची में रिव्यू पोस्ट कर देता हूँ। अब पंजाब से कराची में कैसे कोई कस्टमर कोई सर्विस बाय करेगा कि यहाँ से वहां जो है रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी छोटी सी एक चीज को गूगल डिटेक्ट करता है, उसी वजह से जो है आपका रिव्यू स्टेबल नहीं रहता है। जब भी डिटेक्ट होता है फौरन रिमूव हो जाता है। तो ये एक रीजन है, आप जब भी रिव्यू करें पहले आप ये चेक करें कि मेरे पास जो बिजनेस है उसका एड्रेस कौन सा है, उसमें सिटी और स्टेट कौन सा है, ठीक है। अगर आपके पास पेड वीपीएन है तो वो पेड वीपीएन आपको सिटी भी देता है, स्टेट भी देता है कि आप कौन सी सिटी के कौन से स्टेट के साथ जो है वीपीएन कनेक्ट करने जा रहे हैं। और स्पेशली अगर आप प्रोटॉन यूज कर रहे हो वीपीएन, तो उसमें यह ऑप्शन जरूर होता है कि आप कौन सी सिटी से जो है वीपीएन कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप रिव्यू कर रहे हैं न्यूयॉर्क में या फ्लोरिडा में, ठीक है, तो आप वहीं पर ही अपना जो वीपीएन है कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद जाके आपको रिव्यू पोस्ट करना है ताकि आपका रिव्यू जो है ज्यादा टाइम तक स्टे पर रहे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, जब आप रिव्यू पोस्ट करते हैं उसके बाद उस जीमेल को तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है लॉग आउट कर दें, या दोबारा फिर उस ब्राउजर को ओपन ही ना करें, वो जीमेल आपकी आईपी डिटेक्ट ना होने दें, मेन पॉइंट जे होता है, ठीक है। उसके बाद मेथड कौन सा है, मेथड लैपटॉप का भी मैंने आपको बताया है, मोबाइल का भी बताया है कि ये दोनों मेथड है। मोबाइल का जो मेथड है वो तो काफी लंबा चौड़ा है भी पेड, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ही ट्रिक होता है, सिंपल सा, तो उसके थ्रू हम जो है रिव्यू पोस्ट करते हैं। अगर किसी को मैसेज चाहिए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बकायदा मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, अगर समझ आ जाता है तो आप इस तरीके से भी रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो आपके पास पेड वीपीएन होना चाहिए, जो इस टाइम मेरे पास प्रोटॉन पड़ा है, ठीक है। देखें, ये यूएसए के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि यूएसए के कौन से स्टेट के साथ मेरा कनेक्ट है, ये स्पेशली आपके पास एक वेबसाइट होती है चेक करने के लिए कि इस टाइम आपका वीपीएन किस सिटी से कनेक्ट है। वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको फ्री में बता देता हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वीपीएन कौन सी सिटी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है, यहां पर आप टाइप कर देंगे स्कैमालाइटिक, सिर्फ इसी को ही टाइप करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली वेबसाइट है स्कैमालाइटिक की, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अब देखें, यहां पर आपको आपकी आईपी ये बताएगा कि आपकी आईपी कौन से है उसके साथ है, ठीक है। अब देखें, यहां पर फ्रॉड स्कोर जो इसका है 33, अगर आपका, पहली बात है, फ्रॉड स्कोर 50 से ऊपर जाता है तो आपका रिव्यू लाइव नहीं जाता है, अगर ये 50 से नीचे है तो आपका रिव्यू लाइव भी जाता है,
उसके ज्यादा देर तक स्टे पर रहने के चांसेस भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से अगर आप चलते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे चले आएंगे। इस टाइम हमारा वीपीएन यूनाइटेड स्टेट की किस सिटी से कनेक्टेड है वो आपको कैसे पता चलेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, देखें कंट्री नेम यूएस, स्टेट प्रोविंस जो है वो हमारा है वाशिंगटन। मतलब इस टाइम मैं वाशिंगटन के बिजनेस पर अगर रिव्यू करूं तो उसका जो है स्टेबल रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, नेम आपको पता होगा, तो इस तरीके से जो है आप रिव्यू पोस्ट करते हैं। बाकी पोस्ट करने का तरीका कौन सा है उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास एक बिजनेस मैंने सर्च किया हुआ है, इसका नाम है मार्क्विन ग्राज। मतलब ग्राइडोर का जो बिजनेस है बहुत मुश्किल से रिव्यू एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसी मुश्किल बिजनेस का मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई ये ना आए कि मेरा ट्रिक जो है वो फेक है या इधर उधर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसकी सिटी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर यही है। ठीक है, वाशिंगटन है, यहाँ पर भी वाशिंगटन। मतलब जो हमारी वेबसाइट है बिल्कुल आपको सही इन्फो देते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले जाएं, यहाँ पर आपको रिव्यू कैसे पोस्ट करना है। देखें, सबसे पहले तो बहुत सारे रिव्यू इधर गए हुए हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपली रिव्यू पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, रिव्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कर लेना है राइट रिव्यू। मतलब जो ट्रिक व्रिक है एक छोटा सा ही है मैंने लगा लिया है, उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर ना बताऊं। ठीक है, मेन पॉइंट जो है एक सिंपल सा ही है, वो यहाँ पर मैंने हाइड किया। उसके बाद आप देखें रिव्यू, पहले ये होता था अगर आप 3 लाइन से ज्यादा लिखते हैं तो ये एक्सेप्ट करेगा, अगर 3 लाइन से कम आपका रिव्यू है गूगल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जब 3 अल्फाज आपको लाइव करके दिखाता हूँ, देखें बेस्ट बिजनेस लिख देते हैं, बेस्ट बिजनेस इन यूएसए फॉर ऑटो रिपेयर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 4 अल्फाज हैं बस यही लाइव जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कर देना है पोस्ट और यहां पर आपको नो थैंक्स कर देना है। ठीक है, अब देखें पहले यहां पर इसके कितने रिव्यू हैं, 97। अब ये मेरा रिव्यू गया हुआ है, अब लाइव अगर जाएगा या मैं लोड करूंगा यहां पर 98 हो जाएगा, अगर लाइव नहीं जाएगा तो 97 रहेगा। उसके बाद भी मैं आपको एक और प्रूफ दिखाता हूं कि ये लाइव गया या नहीं गया, सबसे पहले आपको लोड कर लेना है। यहां पर देखें आप 98 हो गया, यहां पर भी ओपन हो रहा है, 1 मिनट वेट, 98 रिव्यू। ठीक है, अब अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि जिस जीमेल से रिव्यू पोस्ट करते हैं वो तो यहाँ पर रिव्यू दिखाते हैं, और ये बात भी सही है, तो इसी बिजनेस को हम किसी और जीमेल पर ओपन करते हैं। यहाँ पर आप चेक करते हैं तो मेरे पास एक और जीमेल पर भी वही बिजनेस ओपन है, यहाँ पर पहले मैंने इसको रिव्यू पोस्ट किया है, यहाँ पर इसलिए 98 दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कोई फ्रॉड जीमेल लॉग इन किया हूँ, यहाँ पर मेरे पास काफी सारे मेल है, मैं किसी और मेल में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बिजनेस हो गया है यहाँ पर ओपन। अब मेरा रिव्यू यहाँ पर लाइव आया है नहीं आया ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे ऊपर जो है कोई और रिव्यू है, आपको चले जाना न्यू वेस्ट पर, क्योंकि मेरा रिव्यू न्यू वेस्ट में ऊपर पर होगा। ठीक है, ठीक है, अभी देखे मैंने आपके सामने लिखा है बेस्ट बिजनेस इन यूएसए फॉर ऑटो रिपेयर। मतलब जो भी इसमें मैंने ट्रिक लगाया है वो ट्रिक इस टाइम वर्किंग में है, बाकी अगर किसी को मोबाइल का मेथड चाहिए वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा इधर उधर का है, लेकिन वो भी मैथड 100% वर्किंग में है। लैपटॉप का मेथड चाहिए, पीसी किसी के पास है मोबाइल पर यूज ना करना चाहे वो मेथड भी अवेलेबल है, बाकी इसके लिए ना कोई आईफोन की जरूरत है, बस सिर्फ आपके पास वीपीएन होना चाहिए। हाँ, एक और मेथड है, अगर आप वीपीएन इस्तेमाल ना करना चाहें तो उसके लिए भी आपके रिव्यू जो है लाइव जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो रिमूव जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भी इनको चाहिए वो मैसेज चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज के वीडियो सिर्फ इतनी ताकत, उम्मीद है आपको पसंद होगा। बाकी अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी करना, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।